हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सा स्किन ट्रीटमेंट जो कि टोटली विटामिन सी पर बेस्ड है। इसमें मेरे दो ट्रीटमेंट के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि है एक सोप और एक है मॉइस्चराइज़र क्रीम, और ये दोनों ही स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं। तो अभी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे अपना मेन इंग्रेडिएंट यानी कि ऑरेंज। तो हम इस सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे अपनी मॉइस्चराइज़र क्रीम। मॉइस्चराइज़र क्रीम के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऑरेंज का सिर्फ पील, यानी कि उसका ऊपर का हिस्सा, जो छिलका आप बोल सकते हैं इसे, सिर्फ ऑरेंज पार्ट ही। आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं या आप इसे इस तरीके से निकाल, इसका सिर्फ ऑरेंज पार्ट इस तरीके से पील भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। तो ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून यहाँ पे इसका ऑरेंज का जस्ट लिया है, ऑरेंज की पील का है। ये सिर्फ ऑरेंज पार्ट ही आपने लेना है क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, बहुत ही बेस्ट होता है ये स्किन के लिए। तो नेक्स्ट मैंने इसके अंदर ऐड किया है कोकोनट ऑयल। ये लिया मैंने 1 टीस्पून, मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल लिया है। एंड देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल। ऑयल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको अपनी मॉइस्चराइज़र क्रीम बनानी है उस हिसाब से आप इसमें ऑयल ले सकते हैं। ना हम इसे मेल्ट करेंगे, मेल्ट आप इसे करना है आपको डबल बॉयलर मेथड से। अगर आप इसे डायरेक्टली करेंगे तो आपको ऑयल जलने लगेगा, या फिर आप इसे माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। अगर आप गैस या स्टोव यूज़ करें तो आप इसमें डबल बॉयलर मेथड से ही आप इसे बॉयल करें, जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना पड़ जाए इसकी पील। जब तक ये बॉयल होता है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको नीचे एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब का, आप उसे क्लिक कर दें। एंड देन उसके बाद में एक बेल आइकन आएगी, उसे भी क्लिक कर दें, जिससे कि आप मेरे जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, आप मेरी हर न्यू वीडियो वॉच कर सकेंगे। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड देन जब तक ये मेल्ट होता है तब तक हम अपने सोप की प्रिपेयरिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए हैं ऑरेंज की स्लाइस, या मैंने 3 लिए हैं ऑरेंज स्लाइस। एंड देन इससे मैंने क्या करा, जूस निकाल लिया है 3 स्लाइसेस का। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून जूस निकल के रेडी हुआ है मेरा, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही फ्रेश है यहाँ पर। एंड देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टी स्पून ऑलिव ऑयल, मैंने इसमें ऐड किया है। एंड देन अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपना सोप। सोप मैंने यहाँ पे पियर सोप यूज़ किया है, आप कोई और सा भी सोप यूज़ कर सकते हैं, बट आपने ये ध्यान रखना है कि आप जो सा भी सोप यूज़ करें वो ग्लिसरीन बेस्ड ही होना चाहिए, यानी कि जो सा भी आप यूज़ करें उसमें ग्लिसरीन ज़रूर होनी चाहिए। आपने सिर्फ वही सोप इसमें यूज़ करना है और कोई दूसरा नहीं यूज़ करना है, वरना वो ये अच्छे से नहीं बनेगा। तो मैंने यहाँ पर पियर सोप लिया है जो कि ग्लिसरीन बेस्ड होता है इसलिए। एंड देन मैंने इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और ऐड किया है ताकि मेरी स्किन को ज़्यादा हार्श ना करे, बिकॉज विंटर है सिर्फ इसलिए। सो एंड देन अब हम इसे मेल्ट कर लेंगे, मैं इसे माइक्रोवेव में मेल्ट करने के लिए रख दिया है, आप इसे डबल बॉयलर मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन मैं इसे अपने कंटेनर में जिसमें मैं सोप रखूँगी उसमें मैंने थोड़ा सा इसे ग्रीस किया है ऑयल लगाकर। एंड देन मैं इसमें अपना सोप डाल रही हूँ, लिक्विड सोप। ये मेल्ट हो गया है बहुत ही जल्दी, माइक्रोवेव में हो जाता है 10 सेकेंड में ही, और सॉरी 30 सेकेंड में ही अच्छे से मेल्ट हो गया था इस तरीके से। एंड देन मैं इसमें यहाँ पे डाल रही हूँ अपने ऑरेंज का थोड़ा सा जेस्ट, उसका पील, सिर्फ ऑरेंज पार्ट। ये टोटली ऑप्शनल है, थोड़ा सा डिज़ाइन खूबसूरत दिखने के लिए मैंने ये डाला है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। सो मैंने ये इसमें डाल दिया। एंड देन इसे हम सेट होने के लिए रख देंगे, ये 30 मिनट्स में ऑलमोस्ट सेट हो जाएगा अच्छे से फ्रिज में। एंड देन तब तक मैंने अपना वो मॉइस्चराइज़र क्रीम जो हमने रखी थी बॉयल होने के लिए, मैं उसे निकाल लेती हूँ। मैंने इसे लो फ्लेम पे ही बॉयल किया है ताकि वो जले ना, ऐसे डबल बॉयलर मेथड है तो भी वो नहीं जलता। आपने इसे ध्यान रखना है, आपने डबल बॉयलर मेथड से ही बॉयल करना है। और जितना भी इस पील का अर्क है वो सब मेरे ऑयल में आ गया है, और ये मेरा मॉइस्चराइज़र बन करके रेडी हो गया। आप इसे सीरम भी बोल सकते हैं, बट ये मैं इसे मॉइस्चराइज़र इसलिए बोली हूँ क्योंकि अभी ये थिक हो जाएगा क्योंकि इसमें कोकोनट ऑयल है, विंटर टाइम है, ये देख सकते हैं आप, ये थिक हो गया है इस तरीके से। तो ये मेरा मॉइस्चराइज़र क्रीम बन करके रेडी हो गई है।
तो जैसा मैंने आपको बताया, आप इसे सीरम भी बोल सकते हैं। तो ये विटामिन सी मॉइस्चराइजर क्रीम या सीरम जो भी आप बोलिए बन करके रेडी हो गया है। ये आपने नाइट में इस्तेमाल करना है, विंटर में रेगुलरली आपने इसे इस्तेमाल करना है। इससे आपकी स्किन को ग्लोइंग भी होएगी और साथ साथ आपकी स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट भी आपको मिलता जाएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन के लिए। सो आपने इसे नाइट में रेगुलरली यूज़ करना है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा मॉइस्चराइजर बन करके रेडी हो गया है। एंड देन अब हम अपना निकालते हैं सोप। ये 30 मिनट्स के बाद काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है, ये देख सकते हैं। एंड देन अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, हल्का सा मैं इसे पुश करके निकालेंगे, इजीली निकल आएगा। सो ये देख सकते हैं आप, इजीली निकल आया, बहुत ही अच्छे से सेट भी हुआ है, बहुत ही प्यारा सा दिख भी रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसका यूज़ आपने दिन में 2 बार करना है, फेस से आपको अपना वॉश करना है, और इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी है, ये ऑरेंज का जूस है इसमें, इसमें ऑलिव ऑयल है जिसमें विटामिन ई होता है। तो ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही फास्ट तरीके से स्किन को लाइटनिंग करने में हेल्पफुल रहेगा। आपको 15 डेज़ में इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, से आपकी स्किन धीरे 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 लाइट होगी। इन दोनों चीज़ों का आपका आपने इस्तेमाल करना है, सोप का भी और मॉइस्चराइज़र का भी, इनको आपको दोनों रेगुलर ही यूज़ करने हैं। सो आई होप यू विल लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।